तो दोस्तों फिफ्थ डे पर हम लोगों ने उठकर पहले तो अपना ब्रेकफास्ट किया और क्योंकि हम लोग मार्केट्स काफी घूम लिए थे तो सोचा आज के दिन कुछ फेमस टेम्पल्स विजिट किए जाएं। तो जो भी हमारी लोकेशन से पास में थे हम लोग निकल गए उनको देखने। सबसे पहले हम लोग पहुंचे वह त्रामित जिसको गोल्डन बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एंट्री टिकट्स तो होती ही हैं, साथ में होती हैं कुछ पाबंदियाँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज हम लोग हैं यहाँ पर गोल्डन बुद्धा देखने आए हैं। हम वस्त्रामित नाम है हाँ इस टेम्पल का, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ की जो टिकट है वो गोल्डन बुद्धा की है 100 baht की, ये हमने ली है। और अगर आपको एग्जीबिशन भी देखना है तो उसके 100 baht एक्स्ट्रा है। तो हमें सिर्फ गोल्डन बुद्धा देखना था तो इसलिए हमने सिर्फ 100 baht की टिकट ली है। बाकी आपको दिखाते हैं अंदर से अगर अलाउड होगा शूट करना तो। जैसे कि यहाँ मानना है कि यूजिंग बुद्धा एज अ टैटू डेकोरेशन इज डिसरिस्पेक्टफुल, ऑल्सो वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। श्योर अगर आप जब भी यहाँ पर आते हैं विजिट करने तो आपको प्रॉपर ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, नो शॉर्ट, नो यू नो स्लीवलेस टॉप्स एंड ऑल। तो आपको प्रॉपर मतलब जैसे मंदिर में जाते हैं बेसिकली वैसे ही कपड़े में कपड़े पहन के आना पड़ेगा यहाँ पर भी, नहीं तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। मेन गोल्डन बुद्धा के अंदर आप वीडियोस नहीं बना सकते लेकिन आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। गोल्डन बुद्धा के बाद हम लोग पहुंचे वत फो जिसको रेक्लाइनिंग और स्लीपिंग बुद्धा भी कहा जाता है। ऑलराइट गाइस, सो नाउ वी आर एट वत फो आल्सो नोन एज स्लीपिंग बुद्धा। तो काफ़ी अच्छा है ये भी और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, लेकिन इसकी जो टिकट है वो है 300 baht, थोड़ी सी महंगी है बट चीज़ है यार एक नंबर। तब एक बार अंदर जाके भी पता लगेगा, सुना तो बहुत है काफ़ी फेमस है, तो एक बार अंदर जाके देखते हैं। और अभी वीडियो वगैरह बनाना अलाउड है या नहीं है ये भी नहीं पता मुझे, तो अंदर जाके वो भी पता लगेगा। तो चलो पहले टिकट खरीदते हैं उसके बाद देखते हैं क्या क्या अंदर। यह मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि मॉन्क्स के स्टैचूज जिनकी लोग आज भी पूजा करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से मानते हैं। कितना नंबर है? 18 नंबर अब क्या होगा सर? अभी इसका ढूंढना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिकल कोच हो सकता है, इंडिकेशन आने वाले टाइम हो सकता है 18 करोड़ की कोठी ले लो तेरा। ओ तेरी। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक ऐसा सीन है कि जैसे आपके जो शूज़ हैं वो आप पहन के अंदर तो नहीं जा सकते टेंपल के, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे ग्रीन कलर के बैग मिलते हैं तो उसमें आपको अपने शूज़ रखने हैं और देन उसके बाद आप शूज़ अंदर ले जा सकते हैं, पहन के नहीं बट बैग में रख के आप ले जा सकते हैं शूज़। तो बैग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना आपको। फिर बाद में वापस आकर आप बैग यहाँ पर वापस रखोगे एंड देन शूज़ पहन के आप चले जाओगे। इस टेम्पल में आप वीडियोस बना सकते हो बट रिस्पेक्टफुली एंड बिना किसी को डिस्टर्ब किए। वत फो बैंकॉक का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बुद्धा टेम्पल है। आपको यहाँ बुद्धा की बड़ी सी लेटी हुई मूर्ति दिखेगी जो कि 15 मीटर ऊंची और 46 मीटर लंबी है और इसके पैर भी 5 मीटर लंबे हैं। टेम्पल के अंदर ही थाई मसाज सिखाई जाती है, प्लस आप यहाँ की ट्रेडिशनल थाई मसाज ले भी सकते हैं। ओवरऑल मस्ट विजिटेड टेम्पल इन बैंकॉक, एंड टेम्पल खूबसूरत तो है ही साथ में काफी बड़े एरिया में बना है, इज लाइक 80,000 स्क्वायर यार्ड। तो आराम से टाइम निकाल कर ही इस टेम्पल को विजिट करना। टेम्पल के अंदर 24 स्मॉल रॉक गार्डन भी बने हैं एंड काफी सारे बुद्धा स्टैचूज भी हैं। और भी काफी सारी रामायण हिस्ट्री जुड़ी है इस टेम्पल से, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इंटरनेट पर जरूर पढ़ना। सो गाइस, ये है थाईलैंड का सीपी, काफी सुंदर काफी साफ सुथरे रोड मिलेंगे आपको यहाँ पर। अब हम लोग जा रहे हैं एक बार फिर से चटक चट्टू चाटू चक, तो हम लोग जा रहे हैं एक बार फिर से चाटू चक मार्केट। और अगेन ग्रैब ने हमें सेव करते हुए गर्मी से, एंड मीट आर न्यू ड्राइवर जरुनेत, मिसेस जरुनेत, करेक्ट? या
तो काफ़ी सही है यहाँ पर कैब वगैरह का सिस्टम, बहुत ईजिली पहुँच जाते हैं यार, बढ़िया है। मेट्रो का भी बढ़िया है, बट वही है कि मेट्रो के लिए आपको थोड़ा सा चेंज वेंज करना पड़ता है, चलना बहुत पड़ता है क्योंकि हाँ यहाँ पर जो है वो ग्रामीण सेवा वाला सीन नहीं है कि आप मेट्रो से उतरोगे और तुम्हें ऑटो मिल जाएंगे 10-10, 20-20 रुपये में, तो इसलिए। तो यहाँ पर ना एक चीज़ और है कि जैसे आप ग्रैब से जाओगे, मतलब कैब वगैरह से जाते हो अगर आप, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पर कि आपको अगर जल्दी पहुँचना है तो आपको पूछा जाएगा कि आपको हाईवे से जाना है या फिर वैसे जाना है। तो अगर आप हाईवे से जाते हो तो आपको 40 या 50 बात एक्स्ट्रा देना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ पर जो हाईवेज़ हैं वो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा भात देने पड़ते हैं ताकि आप जल्दी पहुँच जाओ। वहाँ पर लेस ट्रैफिक होता है या होता ही नहीं है ट्रैफिक, नॉर्मल रोड पर तो ट्रैफिक होता है, रेड लाइट्स काफ़ी सारी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है वहाँ पर। गाइस क्योंकि हमारा मन नहीं भरा था इस मार्केट से, तो इसलिए हम लोग दोबारा आ गए हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर कोक का प्रमोशन चल रहा था तो हमें फ्री में कोक मिला, वाह। बैंकॉक में अगर कुछ फ्री में मिल जाए तो मजे ही मजे। चाटुचक मार्केट से निकलकर हम लोग पहुंचे ट्राइब स्काई बीच क्लब, अपना बैंकॉक का लास्ट डिनर, जो कि हमारे होटल के पास में ही था और बेहद खूबसूरत। बैंकॉक में जगह जगह पर आपको काफी सारी वीट कैफेज भी मिल जाएंगे जहां आपको हर मूड के हिसाब से औषधियां दी जाती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज आवर 6th डे इन बैंकॉक। सो आज हमारा चेकआउट है यहां से और आज हम लोग जा रहे हैं पटाया, तो 2 दिन हमारा वहां पर स्टे है और वहाँ पर हमने होटल वोटल सब पहले ही बुक कर दिया था दिल्ली में रहकर ही, ताकि कोई दिक्कत ना आए। हेलो गाइस, तो हमने चेकआउट कर दिया है अपना मेरिट होटल से और बैंकॉक से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं पटाया। ये ईस्ट साइड है तो यहाँ से आपको पटाया वगैरह के लिए बस मिल जाएगी। अगर आपको फुकेट जाना है बस से तो वो साउथर्न से मिलती है आपको, साउथ साइड से, तो उसका बस स्टैंड अलग है। यस, यहाँ से आप इजीली बस ले सकते हो, प्री बुक भी कर सकते हो और यहाँ आकर टिकट भी ले सकते हो। तो हमें जो टिकट पड़ा है यहाँ का वो है 131 baht पटाया के लिए। सो गाइज ये है बस पटाया के लिए। तो इसके लिए अगर आपके पास लगेज है तो उसको रखने के भी 20 baht उन्होंने एक्स्ट्रा लिया, 20 baht उन्होंने एक्स्ट्रा लिया है। हेलो गाइस, सो हम लोग पहुंच गए हैं पटाया और काफ़ी लेट हो गए क्योंकि बस ने काफ़ी ज़्यादा लेट थी बस एक तो, और लेट पहुंचाया है और फिर उसके बाद हमें कैब वैब नहीं मिल रही थी तो इस वजह से भी हम लोग लेट हो गए हैं। और हमें अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, 2 बजे की चेक इन थी हमारी, बट इट्स ओके। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पटाया और ये हमारा होटल है। सो गाइस ये है हमारा रूम फॉर 2 days इन पटाया, विच इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सो 2 king-size beds एंड बैल्कनी और साथ में व्यू भी अच्छा है। जिस होटल में हम रुके थे उसका नाम था HT9 होटल, जो कि जोंकिन बीच के पास था और यहाँ से वो रहा बीच, उधर बीच है वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये होटल हमें 7,000 rupees के अराउंड पड़ा था फॉर 2 nights, हम 3 लोग इसमें रुके थे, विच इज वेरी अफोर्डेबल। होटल में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और क्योंकि रात हो चुकी थी तो हम निकल गए पटाया के वॉकिंग स्ट्रीट। गाइस, सो हर रात की तरह इस रात को भी हम लोग निकल चुके हैं पार्टी करने इन पटाया, द सिटी ऑफ फन, लव एंड मैनी मोर। खाओसंग मार्केट का बड़ा भाई मान लो उसको आप, बट उससे ज्यादा अच्छा है। पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट एक अडल्ट स्ट्रीट है जहां आपको काफी सारे अडल्ट क्लब्स एंड बार्स देखने को मिलेंगे। यहां काफी सारे अडल्ट शोज भी होते हैं जहाँ ऑब्वियसली वीडियो बनाना सख्त मना है। ऑलराइट गाइस, तो अपडेट ये है कि हम लोग अभी बैठे हैं पटाया की स्ट्रीट पर
वॉकिंग स्ट्रीट पर और यहाँ पर अपना मैंगो शेक इंजॉय कर रहे हैं जो कि बहुत डिलीशियस है। और एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि हमने मैंगो शेक ना पिया हो, क्योंकि इतनी गर्मी है और ये हमारी बहुत हद तक जान बचाता है। और ये कहीं पर 50 बात का है, कहीं पर 60 बात का है, तो विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लोकल से बात करी है और मैंने ये पूछने की कोशिश की है कि क्या यहाँ पर काम करना सही है। तो सबका यही कहना है कि भाई काम करने के लिए मत आओ, घूमने के लिए आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पर, बट काम करने के लिए इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर सैलरी वगैरह का सीन। तो बेटर यही है कि आप यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आओ। अगर आप काम करने के लिए बारे में सोच रहे हो तो फिर उतना ज़्यादा सैलरी नहीं है यहाँ पर। गाइस, थाईलैंड में दोपहर में निकलना मतलब मौत, और तुम्हारे भाई को मौत से खेलने की आदत है। सो ऐसे ही मैं और भी खतरनाक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो अगली वीडियो देखना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।